आप देख सकते हैं कि रात के 12 बज चुके हैं और तकरीबन सारी तैयारियां हैं जो अब पूर्ण होती दिखाई दे रही है। देख सकते हैं ये हनुमान जी की कथा का जो पंडाल बनाया जा रहा है वो तकरीबन अब कुछ ही क्षणों में है जो पूरा कर लिया जाएगा। देख सकते हैं कि ये पंडाल है का दृश्य कुछ ऐसा होगा जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो है वो यहाँ पर बैठ करके है जो अपना कथा है जो आरंभ करेंगे और भक्त इस पंडाल में और उधर एक पंडाल है और बड़ी बड़ी LCD है जो लगाया गया है ताकि उन्हें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है जो जब कथा सुनाएंगे तो उन्हें अच्छे से दिख सके। और कुछ ऐसा पंडाल है देख सकते हैं। देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु हैं जो आराम कर रहे हैं। और भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भक्त इतने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इतने भक्त हैं कि आप देख सकते हैं कि एक दो दिन से पहले से ही ये है जो यहाँ पे अपना डेरा जमाए बैठे हैं। वो किसी भी परिस्थिति में वो इस शुभ अवसर को खोना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं कि सभी भक्त हैं जो यहाँ विश्राम कर रहे हैं और कल कथा का आयोजन है, कल से कथा आरंभ हो जाएगा। और एक ये पंडाल है, एक यहाँ पर पंडाल बनाया गया है, उस साइड पंडाल है और तीसरा पंडाल है जो उस साइड है। तीन चार पंडाल है जो बनाया गया है सिर्फ भक्तों को कथा सुनने के लिए। और आप एक पंडाल की साइज आप अनुमान लगाएं तो ये काफ़ी बड़ी साइज है, काफ़ी दूर तक है ये। तो आज के लिए इतना ही, कल जो भी कुछ होता है, कितने बजे पंडित कृष्ण शास्त्री जी आते हैं वो उनका भी वीडियो है जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय।